वैदिक मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 27 का क्यूब रूट क्या होता है या फिर 64 का क्यूब रूट क्या होता है, तो आप लोग बड़ी ही आसानी से बता देंगे कि 27 का क्यूब रूट होता है 3 एंड 64 का क्यूब रूट होता है 4। इन नंबर्स में जो क्यूब रूट है वो हमें पता होता है, क्योंकि ये सभी परफेक्ट क्यूब्स होती हैं। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि 29 का क्यूब रूट क्या होगा या फिर 51 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप लोग मुझे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये नंबर्स जो होते हैं ये नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉन परफेक्ट नंबर के लिए क्यूब रूट निकालने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमें 29 का क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक ऐसा नंबर जो कि 29 के पास होता है, जिसका क्यूब रूट हमें पहले से पता होता है। जैसे 29 के पास आता है 27, और 27 का क्यूब रूट होता है, ये हम सब जानते, वो है 3, राइट? तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे 3। अब आप मुझे बताइए कि ये जो 29 है वो 27 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो हम यहां पर लिख देंगे पल्स 2, और इस 2 के नीचे हम लिखेंगे 3 इंटू ये जो नंबर लिखा है यहां पर 3, इसी का स्क्वायर करके यानी कि 9 को। बस सिर्फ इतनी सी अब आपको कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा और आपका क्यूब रूट निकल जाएगा। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर 3.07 के करीब आएगा, और यही होता है 29 का क्यूब रूट। अमेजिंग, इजंट इट? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमें 129 का क्यूब रूट निकालना है, तो हमने देखा 129 की सबसे ज्यादा पास जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो है 125, और इस 125 का क्यूब रूट हम सब जानते हैं 5 होता है, राइट? तो हम यहां पर लिख देंगे 5। अब आप मुझे बताइए 129 जो है वो 125 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 4 ज्यादा है, तो यहां पर लिख देंगे पल्स 4, और इस 4 के नीचे हम लिखेंगे 3 इंटू यह जो नंबर लिखा हुआ है 5, इसी का स्क्वायर करके यानी 25 को। बस इतनी कैलकुलेशन हमें सोल्व करनी होगी और हमारा क्यूब रूट निकल जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर 5.03 के करीब आएगा, और यही होता है 129 का क्यूब रूट। अब लास्ट एग्जांपल, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस बार हमें 210 का क्यूब रूट निकालना है, तो हमने देखा 210 के पास आता है 216, तो 216 का क्यूब रूट होता है 6, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे 6। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो 210 है ये 216 से ज्यादा नहीं है बल्कि कम है। कितना कम है? आप कहेंगे 6 कम है, तो हम यहां पर लिख देंगे -6। ये 216 से ज्यादा नहीं बल्कि कम, कितना बताया? -6। तो ध्यान रखिएगा, अगर ज्यादा होता है तो हम लिखेंगे प्लस, और अगर कम हुआ तो हम लाएंगे हमेशा माइनस। अब इस 6 के नीचे हम लिखेंगे 3 इंटू ये जो नंबर लिखा हुआ है 6, इसी का स्क्वायर करके यानी 36। बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी होगी, आपका क्यूब रूट निकल जाएगा। इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 5.94 के करीब, एंड दैट इज एग्जैक्टली द क्यूब रूट ऑफ 210। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।